दोस्तों आपका स्वागत है intinstitute.com में और मैं हूं आपका ट्रेनर सर्वेश सरोहा। और आज हम सीखने जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो हमारा पहला मॉड्यूल है वो है वर्डप्रेस यानी कि वेब डिज़ाइनिंग करना। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस पे। देखिए वर्डप्रेस के बारे में मैं बिल्कुल डिटेल से आपको समझाऊंगा, लेकिन आपने भी इंटरनेट पे बहुत सारी आप वीडियोस देखते हो वर्डप्रेस के ऊपर, लेकिन कोई भी डायरेक्टली सीधा वर्डप्रेस पे काम करना सिखाता है आपको, लेकिन वो कहीं ना कहीं गलत है। जब तक आपका बेस नहीं बनेगा तब तक आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो कुछ बेसिक्स डाउट्स जो होते हैं वो मैं आपको पहले क्लियर करूँगा, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे वर्डप्रेस। चलिए मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, तो आज जितने भी आपके टॉपिक हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, जो डाउट्स हैं जो करने भी चाहिए हर ट्रेनर को। तो आवर एजेंडा, हम क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अपना जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है उसके कैरिकुलम के बारे में थोड़ा ओवरव्यू करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि वर्डप्रेस, देखिए वेबसाइट तो बनाते हैं लेकिन वेबसाइट एक्चुअली है क्या, कि व्हाट इज़ ए वेबसाइट, ये जो डोमेन होते हैं ये क्या होते हैं, कितने टाइप के डोमेन मार्केट के अंदर हैं, किसी भी डोमेन का नाम सजेस्ट करने के लिए किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, और प्रीमियम डोमेन भी क्या होते हैं और इनको रजिस्टर किस तरीके से किया जाता है। और जो आप देखते हो कि मुझे वेब होस्टिंग चाहिए उसको हम थोड़ा क्लियर करेंगे, कितने टाइप की वेब होस्टिंग होती है वो इस लेक्चर में हम ये सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा कैरिकुलम। हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है उसके अंदर ये हमारे मॉड्यूल्स हैं। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, इसके अंदर वर्ड डिजिटल मार्केट का इंट्रोडक्शन हम बताते हैं। फर्स्ट मॉड्यूल हमारा है वर्डप्रेस के ऊपर, जो करीबन आपका 4 घंटे चलने वाला है, 4 आवर्स का हमारा सेशन होता है वर्डप्रेस के ऊपर। इसके बाद SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम सीखेंगे, इसके 20 घंटे का ये लेक्चर है। गूगल एडवर्ड्स ये हम सीखेंगे, ये भी करीबन 20 से 22 घंटे का लेक्चर होता है, बड़ा टॉपिक है। सोशल मीडिया हम सीखेंगे कि 12, जिसमें हम फेसबुक ट्विटर इन सभी के बारे में पूरा डेप्थ में जाएंगे, 12 घंटे का लेक्चर ये रहेगा। ईमेल मार्केटिंग 2 घंटे की रहेगी। इनबाउंड ऑनलाइन रेपुटेशन है, ऑनलाइन मनी मेकिंग है और ऑनलाइन एनालिसिस है। ये सारे हमारे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मॉड्यूल है, जो मेन में हमारे मॉड्यूल है। तो करीबन 70 आवर्स से 75 आवर्स में हमारा डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कोर्स कंप्लीट होता है। आप इसी मॉड्यूल के ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हो, साथ में हमारे साथ हमसे आप DVD भी परचेज कर सकते हो। चलिए तो पहला टॉपिक है वर्डप्रेस पे, और वर्डप्रेस सीखने से, देखो वर्डप्रेस डिज़ाइन करने की बात अलग है लेकिन थोड़ा समझ दें कि वेबसाइट है क्या। तो पहला, व्हाट इज वेबसाइट। अ वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ द पेजेस, सिंपल सी बात है, जो हम वेब पेजेस क्रिएट करते हैं उनका एक कम्बिनेशन, उनका कलेक्शन ही कहलाता है वेबसाइट। और ये पेजेस होते हैं क्यों बनाए जाते हैं, क्यों इन पेजेस पे क्या होता है, तो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू टारगेट ऑडियंस, कि मैं अपने बिजनेस, मैं कोई भी बिजनेस कर रहा हूँ, जो भी मेरी ऑडियंस है, जो मेरे कस्टमर, किस टाइप के कस्टमर मेरे इन सर्विसेज या प्रोडक्ट को ले सकते हैं, मैं अपनी बात, मैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिटेल सारा मैं वेब पेजेस पर डालूंगा, और उन वेब पेजेस को कलेक्शन कर दिया जाता है, जब इकट्ठा एक कर दिया जाता है, उनके आपस में लिंक कर दिए जाते हैं, तो उसे कहते हैं वेबसाइट। सिंपल सी भाषा में आप इसको ये रखो कि वेबसाइट एक पे बहुत सारे वेब पेजेस का एक कलेक्शन है, ग्रुप है, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है, हमें प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में हमें बताता है, ये हमारी वेबसाइट की, उस वेबसाइट के थ्रू हम अपने कस्टमर को वो प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं। मेरा मानना भी क्या है, सभी का मानना है, वेबसाइट इज ए बिजनेस। देखिए लोग वेबसाइट बना लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि मैं इस वेबसाइट से बिजनेस करूं कैसे, इस वेबसाइट से मैं एडमिशन करूं कैसे, मैं इस वेबसाइट प्रोडक्ट को सेल कैसे करूं, मैं अपनी सर्विसेज को कैसे लोगों तक पहुंचाऊं। ठीक है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद डायरेक्टली वो अपनी वेबसाइट बना लेते हैं, बस सिंपल, इसके बाद उस पर कुछ काम से बिजनेस ले ही नहीं पाते। वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, इनके पास क्या है, एक सिंपल एक वेबसाइट है, और उसी प्रोडक्ट इनका खुद का नहीं है, प्रोडक्ट भी किसी दूसरी पार्टी का होता है, खरीदने वाले को दूसरे लोग होते हैं, बीच में इन लोगों का कमीशन होता है, ये सभी पैसा कैसे कमा रहे, ओनली वेबसाइट से ना।
और जो हमें पैसा कमा के दे रहा है वो भी क्या है, बिजनेस ही तो है। तो इसीलिए वेबसाइट इज द बिजनेस, तो इसीलिए हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वेबसाइट बनानी चाहिए और उसका उसी तरीके से ही इस्तेमाल करना चाहिए। और बिजनेस भी हम कोई भी स्टार्ट करते हैं हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट। सेम ऐसे ही है, जब भी हम कोई भी वेबसाइट बनाएं तो पहला पर्पस है कि ये वेबसाइट जो हम डिज़ाइन करने वाले हैं इससे हमें पैसा कैसे कमाना है, तो वो थोड़ा सा हम क्लियर करेंगे, आगे देखेंगे और पैसा कमाओगे आप भी। तो सिंपल वेबसाइट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे बिजनेस लेना, उससे लीड्स लेना, ये इंपॉर्टेंट होता है। वो भी हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे और उन चीज़ों से बताएंगे भी सारी बातें। तो पहला, वेबसाइट को एज ए बिजनेस है हमारी। डज मार्केटिंग ऑफ द कंपनी 24 आवर्स। वेबसाइट का एक बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि आप अपने बिजनेस के प्रोडक्ट और सर्विसेज का प्रमोशन दिन रात 2400 घंटे आप इसको कर सकते हो। आपकी वेब कोई भी बंदा, आप देखो आपका ऑफिस है सुबह 8 बजे खुलता है और रात को 9 बजे आए, जो भी आपका टाइमिंग है दिन में वो टाइमिंग रहता है, लेकिन रात को किसी को आपके बारे में कुछ जानना है, कोई नया प्रोडक्ट के बारे में देखना है, तो आपके ऑफिस तो बंद है, रात को तो आ ही नहीं सकता, लेकिन उसके पास एक रास्ता तो होगा ना कि वो प्रोडक्ट और सर्विस को देखने के लिए डायरेक्टली इंटरनेट पर आपकी वेबसाइट पर विजिट करेगा, वहाँ से प्रोडक्ट को खरीदेगा, आपकी सर्विसेज को या जो भी उसको क्वेरी है वो क्वेरी आपके पास आएगी। तो 24 आवर्स हमारी मार्केटिंग होती है वेबसाइट के थ्रू, ये हमें फ़ायदा होता है, इसलिए हम वेबसाइट बनाते हैं। थर्ड है, जनरेट रिवेन्यू इन मैनी डिफरेंट स्पेस। आप वेबसाइट से बहुत तरीके से पैसा कमा सकते हो, बस प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को पता नहीं चलता कि पैसा कैसे कमाएं और उसका सही तरीका कैसा है, उसका क्या कैसे उसको काम करना पड़ता है। तो वो सारा हम, मेरे साथ रहो, सारी चीज़ें हम क्लियर करके देंगे आपको। तो मेन है, वेबसाइट एक बिज़नेस है और बिज़नेस में हमें प्रॉफिट है, जब हम इन्वेस्टमेंट करें तो हमें प्रॉफिट भी चाहिए, तो वो भी हम सिखाएंगे। दूसरा, वेबसाइट से हमें फ़ायदा होता है, 24 हमारी मार्केटिंग होती है। तीसरा फ़ायदा कि हम उससे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम पैसा कमा सकते हैं, रिवेन्यू बढ़ा सकते हैं, हम जनरेट रिवेन्यू। ठीक है, तो क्लियर हो गया वेबसाइट क्या है और उसके फ़ायदे क्या है। अब बात आती है कि सर मैं एक वेबसाइट को कैसे बनाया जाता है, कैसे बिल्ड किया जाता है। देखिए, मेन तीन चीज़ें होती किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट है डोमेन नेम। जो डोमेन नेम, जैसे आप कभी डोमेन नेम देखते हो fb.com, facebook.com या rediff.com, gmail.com, abc.com, ये सारी क्या है, ये सभी डोमेन नेम है। भले ही हम कहते हैं कि आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, उसने बोला जी मेरी वेबसाइट का नाम है abc.com, तो abc.com क्या है, डोमेन नेम। जो डोमेन नेम आपकी कंपनी की, आपके ब्रांड को दर्शाता है, आपकी जो कंपनी है उसी के नाम से ही आप डोमेन नेम परचेज करते हो। सेकंड, जब आपके पास डोमेन नेम आ जाएगा, अगला स्टेप क्या होता है, होस्टिंग। कि ठीक है, मेरे पास डोमेन, मैंने एक डोमेन परचेज किया abc.com के नाम से, अब अगला स्टेप क्या आता है कि मैं बहुत सारे वेब पेजेस जो मैं क्रिएट करने वाला हूँ प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, उन पेजेस के ऊपर मैं राइट करने वाला हूँ, वो भी पेज कहीं ना कहीं इंटरनेट पे स्टोर होंगे। बिल्कुल सही बात है। अब इंटरनेट पे स्टोर होने के लिए उनको भी क्या चाहिए, स्पेस की रिक्वायरमेंट आएगी। अब वो स्पेस कहाँ से मिलेगा, उसके लिए फिर हमें होस्टिंग लेनी पड़ती है, होस्टिंग सर्वर लेने पड़ते हैं जहाँ पे मैं अपने डेटा को स्टोर करेंगे। ठीक है ना, तो अब वो भी थोड़ा डिटेल में जाएंगे अभी। तो पहला स्टेप डोमेन नेम, दूसरा स्टेप होस्टिंग टू स्टोर द डेटा, थर्ड स्टेप अब आपके पास डोमेन का नाम भी है, आपके पास वेबसाइट को स्टोर करने के लिए स्पेस भी है इंटरनेट पे। थर्ड स्टेप, अब आपको अपने वेबसाइट को डिज़ाइन करना, अपनी वेबसाइट को बनाना है, और इसके लिए बहुत बहुत तरीके हैं। आप HTML, CSS का इस्तेमाल करके वेबसाइट बना सकते हो, इवन .NET से आप वेबसाइट बना सकते हो, PHP से वेबसाइट बना सकते हो, CMS टूल्स बहुत सारे होते हैं, जैसे WordPress जो हम सीखने जा रहे हैं, WordPress है, Joomla है, Drupal है, ऐसे बहुत सारे क्या है एप्लीकेशन हैं और के थ्रू आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो। यदि आपको .NET में वेबसाइट बनानी है तो .NET की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, HTML, CSS में वेबसाइट बनाना चाहते हो वो भी आपको आना चाहिए। देन स्टेप आता है यहाँ पे, ठीक है ना, अगले स्टेप पे चलते हैं, यहाँ पे अब डोमेन नेम। मैंने पहली बात करी कि डोमेन नेम आपके पास होना चाहिए, तो कंपनी आइडेंटिटी ऑन द इंटरनेट, कि आपकी डोमेन नेम होता क्या है, कि आप इंटरनेट पे किस नाम से जाने जाओगे, ये डोमेन नेम आपको लेना पड़ता है। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है,
http://www.intinstitute.in या .com, ठीक है। तो सबसे पहले ये इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं क्या चीज़ है। HTTP सबसे पहले आता है HTTP। HTTP क्या है? एक प्रोटोकॉल है। और हमारे HTTP दो तरीके के प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए जाते हैं हर वेबसाइट के लिए। कई बार जैसे इसको देखते हैं, थोड़ा सा हम इसको प्रैक्टिकल दिखाते हैं, क्योंकि जितना प्रैक्टिकल देखोगे ना उतनी चीज़ें आपको समझ में आएगी और हर चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएगी। जैसे सपोज करो मैंने लिखा यहाँ पे HDFC बैंक, ठीक है, और HDFC बैंक। अब HDFC बैंक की साइट आपकी ओपन हो गई, ठीक है। अब मैं एक एड्रेस और डालता हूँ, मैंने यहाँ लिखा fb.com, ठीक है। फिर मैंने लिखा यहाँ पे intinstitute.com, यानी कि मैंने अभी हमारी तीन वेबसाइटें ओपन की है। और तीनों वेबसाइटों को यदि मैं देखूँ, थोड़ा सा यहाँ चलते हैं, आप यहाँ पे इसको देखो, ये आपका जो डोमेन नेम की बात कह रहा था कि जो हम प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे, क्या यहाँ पे HTTP नज़र आ रहा आपको? नहीं आ रहा, ठीक है। इस वेबसाइट पे नज़र आ रहा है आपको? नहीं आ रहा, बिल्कुल ठीक है। इस वेबसाइट पे नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल आ रहा जी। ये क्या चीज़ होगी? उन दो वेबसाइटों पे क्यों नज़र नहीं आ रहा, इस पे क्यों नज़र आ रहा है? अब थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ। एक साइट ऑफ खोलते हैं, ट्विटर, आप देख सकते हो ट्विटर पे भी आ गया, बड़े वाह। तो ये है क्या चीज़ कि किसी किसी चीज़ पे ये आ रहा है और किसी किसी डोमेन पे साइट पे शो नहीं हो रहा। इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। देखिए जो हमारा प्रोटोकॉल होता है वो दो टाइप का होता है, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। जो HTTP होता है वो बाय डिफॉल्ट हिडन होता है। जितनी भी वेबसाइटें आप बनाते हो, जब आप डोमेन लेते हो, तो बाय डिफॉल्ट उसके ऊपर जो प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट होता है वो है HTTP। और कई साइट के ऊपर आपको लिख के आ रहा है HTTPS। ये एक सिक्योर प्रोटोकॉल होता है। यानी कि यदि मैं फेसबुक की बात करूँ, फेसबुक के आगे क्या लिख के आ रहा है? HTTPS। तो इसका मतलब है कि ये फेसबुक साइट सिक्योर है। यानी कि जिस वेबसाइट के अंदर आपका ट्रांजैक्शन का काम होता है, इसके अंदर आपको ये लगता है कि ये मेरे लिए ये डेटा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, तो उससे बचाने के लिए कि जो भी हैकर्स होते हैं उनसे बचाने के लिए मुझे अपनी वेबसाइट को सिक्योर करना पड़ता है। और उसको सिक्योरिटी के लिए मुझे ये HTTPS प्रोटोकॉल अपनी साइट पे इम्प्लीमेंट करना होता है। और इसके लिए भी आपको ये भी जो जैसे डोमेन आपको 1 ईयर के लिए मिलता है, ऐसे ही ये भी आपको 1 ईयर के लिए ही मिलता है, ठीक है ना। तो हर साल आपको इसका चार्ज देना पड़ता है। तो देखेंगे इसको भी कैसे। फिलहाल यदि आपकी वेबसाइट सिक्योर है और आपने HTTPS प्रोटोकॉल इसमें लिया है, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर ये आपको नज़र आएगा, ठीक है ना। और यदि नॉर्मल साइट है, आपने उसको सिक्योरिटी आपने नहीं इम्प्लीमेंट करवाना चाहते, बाय डिफॉल्ट आपका HTTP प्रोटोकॉल होता है। यदि नब बात आती है सर अपनी वेबसाइट के लिए क्या है, कौन सा बेटर रहेगा हमारी वेबसाइट के लिए, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड रखता है कि आपके लिए वो डाटा इम्पोर्टेंट है, आपके यूज़र की इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है, आपके वहाँ पे डेबिट कार्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन की, डेबिट कार्ड से पेमेंट सेल और परचेजिंग जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो आपको सिक्योर करनी है, देन आपकी रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिक आपकी ज़रूरत पड़ जाएगी कि आपको HTTPS प्रोटोकॉल आपको अपनी साइट पे इम्प्लीमेंट करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। और जो बाय डिफॉल्ट HTTP होता है वो हिडन होता है। तो प्रोटोकॉल, इसके बाद www, ये क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक ऑप्शनल में है। किसी किसी साइट पे, जैसे मैं ट्विटर की बात करूँ, तो यहाँ पे जस्ट twitter.com है, इसके आगे www नहीं है। ये ऑप्शनल में है कि किसी किसी साइट पे आपको शो होगा या किसी किसी साइट पे शो नहीं भी हो सकता। अब ये सर इसको कौन देखता है, क्वेश्चन रेज होगा माइंड के अंदर। देखिए किस साइट पे www आएगा और किस साइट पे www नहीं आ रहा, ये टोटली डिपेंड होता है उस साइट के ओनर के ऊपर, क्योंकि ऑप्शनल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपका आपकी साइट www.abc.com से खुलती है या आपकी साइट abc.com से खुलती है,
ठीक है ना, लास्ट में जिस जो रिडायरेक्ट होके जो एक पेज खुलता है आपका यूआरएल जो आएगा ये वाला, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर। इससे कोई हम अपनी साइट के ऊपर डब्ल्यू डब्ल्यू शो करेंगे तो उसका कुछ बेनिफिट होगा? कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। ये ऑप्शनल में आप लगाओ या मत लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यदि आपकी वेबसाइट पे HTTP प्रोटोकॉल S है, यानी कि ये प्रोटोकॉल आपनी साइट पे इम्प्लीमेंट कर दिया, तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। और फायदा क्या, पैसे नहीं आएंगे, फायदा ये होगा कि आपकी वेबसाइट SEO के बेस पे बेटर मानी जाएगी। आपकी वेबसाइट SEO जब आप करोगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो आपको गूगल के अंदर रैंकिंग में इजाफा होगा HTTPS। यदि आप अपनी, क्योंकि गूगल देखता है कि सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं लोग, तो इसलिए इजाफा होता है। तो HTTPS प्रोटोकॉल SEO बेस पे हमें बेनिफिट देता है और HTTP हमें बेनिफिट नहीं देता। ठीक है, सेम WWW ऑप्शन में है, आप लगाओ मत लगाओ, SEO में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिंदास टेंशन मत लेना इस चीज़ की आप। ठीक है ना, अब ये चीज़ कंपनी नेम, यहाँ पे आपका डोमेन का नाम जो आपकी कंपनी है उसका ब्रांड आपने यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, .in जिस नाम से आप लेना चाहते हो, अभी कंपनी का नाम है जैसे हमारे INT इंस्टीट्यूट है, इसलिए हमने INT इंस्टीट्यूट के नाम से इसको अपना डोमेन रजिस्टर किया है। ऐसे जो भी आपका नाम हो आपकी फर्म का, उस नाम से आप डोमेन रजिस्टर कर सकते हो। बस रूल एक ही है कि वो डोमेन आपसे पहले किसी ने परचेज ना किया हो। इसके बाद ये है एक्सटेंशन, अब पढ़ते हैं ये चीज़ें भी क्या होती हैं। अब टाइप ऑफ डोमेन, एक्सटेंशन पीछे था, टाइप ऑफ डोमेन के बारे में पढ़ते हैं। टाइप डोमेन्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द टू कैटेगरी, दो कैटेगरी हैं डोमेन के अंदर, बिजनेस टाइप और कंट्री टाइप। .com, .net, .gov, .edu, .tv, .mobi, जब ये आप जिन साइटों के पीछे आप देखते हो, ये सारे के सारे आपके बिजनेस टाइप है। दूसरी कैटेगरी में आते हैं कंट्री वाइज, हर कंट्री वाइज डोमेन बनाए गए हैं, जैसे .in इंडिया का है, .co.uk, .co.in, .jp, .ae, ये सारे कंट्री वाइज, जो पाकिस्तान की बात करें .pk, तो ये सारे कंट्री वाइज डोमेन नेम होते हैं। ठीक है, अब माइंड में क्वेश्चन आया ना आपके, सर मैं को यदि कोई वेबसाइट रजिस्टर करना चाह रहा हूँ तो मुझे सर .com पे लेना चाहिए, .in पे यदि मैं इंडिया में रहता हूँ, और इंडिया के अंदर यदि मैं .in मेरे लिए बढ़िया रहेगा या .com, यदि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ .pk मेरे लिए बढ़िया रहेगा या .com बढ़िया रहेगा, होगा ना? तो इसका भी मैं आंसर आपको बताता हूँ क्या है, कि क्या आपको चूज करना है। यदि आपका बिजनेस, जिस बिजनेस के लिए वो आपकी वेबसाइट बन रही है, यदि वो लोकली बेस पे आप काम करना चाहते हो, जैसे मेरी जो कंपनी वो इंडिया में ही प्रोडक्ट को बेचती है, ठीक है, और सर्विसेज जब भी मेरी कंपनी वो इंडिया के अंदर ही सर्विसेज दे रही है, तो आप, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप अपना जो डोमेन है, जो आप एक्सटेंशन यूज करोगे, वो आप कंट्री वाइज लोगे, यानी कि intinstitute.in, abc.in, ऐसे कोई भी .in पे लो। सर इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा मैं आपको प्रैक्टिकल ही दिखाऊंगा, क्योंकि जब प्रैक्टिकल देखोगे ना आपके माइंड में जितने भी चीजें ना क्लियर हो जाएगी कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। देखिए सिंपल है, मेरा ये गूगल है सर्च इंजन, तो मैं मान लो किसी भी कंट्री का एक सर्च इंजन उठा लो, मैंने यूज किया .com, ठीक है ना। फिलहाल मैं यूके का गूगल सर्च इंजन अभी एक्सेस कर रहा हूँ। अब मुझे वहाँ के लोग, यदि कोई भी प्रोडक्ट आपको सर्च करना है, मेरे को एक मैंने लिखा बाय डेल लैपटॉप, सिंपल, मैं एक डेल का लैपटॉप खरीदना चाह रहा हूँ। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आपको कंट्री वाइज जो मैं लेने में फ़ायदा है या ग्लोबली, ठीक है ना। देखते रिजल्ट, देखते रिजल्ट दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि इसका फ़ायदा आपको SEO में होता है। क्या फ़ायदा होता है, मेरा नाम, मैंने बाय डेल लैपटॉप के नाम से मैंने एक कीवर्ड सर्च किया और रिजल्ट आया मेरे पास। ऊपर ऐड आ रही है, ये स्पॉन्सर सेट्स हैं तो इनको हम छोड़ देते हैं, नीचे चलते हैं। ठीक है, अभी मैं यूके, तो अब देखो जो पहली वेबसाइट आई है यहाँ पे, पहला रिजल्ट आया, उस वेबसाइट का आप एक्सटेंशन चेक करो क्या है, .co.uk, वेरी गुड। अगली वेबसाइट जो सेकेंड पोजिशन है .co.uk, वेरी गुड। थर्ड की बात करूँ वो भी है,
फोर्थ की बात करूँ डॉट कॉम है, लेकिन डेल ने फिर एक दिमाग लगाया यहाँ पे डॉट यू के यूआरएल में यूज़ कर दिया। देखो फ़ायदा हो रहा, उसको पता है, वो पहले से ही डेल डॉट कॉम के नाम से डोमेन परचेज कर चुके थे, तो अब उन्होंने डॉट यूके के अंदर उन्होंने यूआरएल में इसको यूज़ किया, क्योंकि उनको पता है इसका यूज़ करने से मुझे बेनिफिट होगा। अमेजन डॉट कॉम की बात करूँ तो डॉट को डॉट यूके, तो जितनी भी वेबसाइटें पहले पेज पर आ रही सबसे ज़्यादा देखो डॉट कॉम है। यदि पूरे पेज की बात करो, इसमें से 10 में से करीबन 7 या 8 रिजल्ट आपको उसी कंट्री वाइज डोमेन नेम से मिल रहे हैं, तो एसईओ का आपको यहाँ फ़ायदा मिलेगा। यदि आप एसईओ में अपने देखो, सब चाहता है कि मेरा गूगल में पहले पेज पर पहली पोजीशन मेरी आए, तो उसके लिए इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। यदि आप ग्लोबली लेवल पे बिजनेस कर रहे हो तो दो आपका बिजनेस टाइप में जाओ, लेकिन यदि आप कंट्री वाइज काम कर रहे हो, लोकली बेस पे काम कर रहे हो, तो आपने कंट्री के हिसाब से वही आप एक्सटेंशन आप लो, वही उसके लिए अगर आपको डोमेन आपने लेना है, तो ये चीज़ क्लियर होगी होगी। आगे चलते हैं। इसके बाद डोमेन नेम सजेशन, अब बात आती है सर, सब समझ चुके हैं हम, मैंने सब सारी चीज़ समझ में आई, तो सर अभी डोमेन नेम लेते वक्त क्या करना चाहिए, किस तरीके से क्या चीज़ें सोचनी चाहिए। पहली बात, आपका जो डोमेन का नाम है, कुछ गाइडलाइंस में आपको बता रहा हूँ कि जो आपका डोमेन का नाम है वो कम से कम आपको रखना है, ज़्यादा बहुत लंबा आपने नहीं रखना, ऐसा नाम नहीं रखना जो लोगों को याद ना रखें, वो ईजिली उसको याद रख पाए, ऐसा नाम आपने रखना है। अजीब सा कोई नाम मत रखना, और अजीब सी स्पेलिंग नहीं होगी सुना उसको, इतनी टफ उसको स्पेलिंग को लोगों को बताने में आपको बड़ी परेशानी हो, वो इजीली उसको उसको स्पेल ही ना कर पाए, ठीक है ना, तो ऐसे नाम को आपको यूज़ नहीं करना। थर्ड, वही जो भी बात करी मैंने कि आप अपने जब डोमेन का नाम लोगे तो उसमें एक्सटेंशन कंट्री वाइज लो, आपको फ़ायदा होगा लोकल बिजनेस में, ठीक है। इसके बाद आता है सजेशन टूल। सजेशन टूल क्या है, ये ऐसे टूल है जिनके बेस पे आप पता कर सकते हो कि मैं अपने इस रिलेटेड को चाह रहा हूँ, तो इस रिलेटेड क्या क्या मेरे डोमेन नेम मार्केट में अवेलेबल है। जैसे आप जा सकते हो namemass.com, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, pranabhi.com ये भी अच्छी साइट है, wordid.com, ये तीनों ही आपके सजेशन टूल होते हैं जो आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको आपको डोमेन लेने में आपको फ़ायदा करती हैं कैसे। चलो एक साइट पे हम विजिट करके देख लेते हैं, हम देखते हैं पानाबी वाली वेबसाइट पे। ये आ गई, ठीक है। अब पानाबी में क्या बोलता है कि कोई भी दो या कोई भी जो आपका बिजनेस उससे रिलेटेड कुछ भी आप डाल सकते हो, मैंने यहाँ पर डाल दिया कंप्यूटर, ठीक है। अब कंप्यूटर बेस पे ये सारे डोमेन आपको सर्च करके बताएगा कौन से डोमेन नेम। अब देखिए इसने रिजल्ट दिया computer.com आपको, लेकिन अवेलेबल है, लेकिन सर पहले से कोई ले चुका है, इसीलिए आपके लिए नहीं है, जब अवेलेबल था उस टाइम पर वो बुक करा चुका है, जिसमें ये हार्ट ब्रेक करके आ रहा है, तो मतलब ये वाला डोमेन आपको नहीं मिलेगा, ये पहले से किसी ने आप बुक कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ आ गया दूसरा, यदि आप कंप्यूटर EO ये वाला डोमेन आप परचेस कर सकते हो, साथ में यहाँ पे प्राइस भी डाला है, तो इतने में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर ये आया ORA, ये यूज किया इसने पीछे, तो ये आपको सजेशन दे रहा है कि आप ये वाला भी नाम ले सकते हो, इससे मिलता जुलता ये नाम ले सकते हो, ये नाम ले सकते हो, जो भी आपको लगता है वो नाम आप ले सकते हो, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा और आपको चेंज करना है तो अलग अलग कीवर्ड डाल के आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, रिसर्च में सजेशन दे सकते हो, सजेशन के लिए वेबसाइट बनी स्पेशल, तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा करेगी नए नेम डोमेन नेम लेने में, ठीक है। तो आप इस साइट पर थोड़ा टाइम बिताना, इस पर दो तीन बार आप अपने बिजनेस रिलेटेड जितने भी कीवर्ड हैं वो उस पर डाल के उस तरीके से सर्च करके देखना। इसके बाद आता है हाउ टू रजिस्टर डोमेन। सर सब समझ गए कि डोमेन क्या है, कैसे लेना चाहिए, अब इसको लिया कैसे जाता है ये बात देखते हैं कैसे। तो डोमेन आर अवेलेबल एट द एनी रजिस्ट्रार, अब किसी भी रजिस्टर, बहुत सारे रजिस्ट्रार हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो आपको डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड करती है। एक नॉर्मली जो डोमेन का जो प्राइस होता है करीबन $10 होता है, ठीक है ना। और कुछ कंपनी के नाम मैं बताता हूँ,
बिग्रॉक बहुत बड़ी कंपनी है, गो डैडी भी बहुत बड़ी कंपनी है, और वो होस्ट डॉट कॉम और नेटवर्क होस्टिंग ग्रुप डॉट कॉम, ठीक है। ये तीन चार कंपनियां हैं जो बहुत अच्छे लेवल के सर्विस दे भी रही है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको रिकमेंड कर रही थी, मैं पर्सनली आपसे बात करूँ तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप नेटवर्क होस्टिंग ग्रुप डॉट इन पर आप जाओ, ठीक है। नेटवर्क होस्टिंग डॉट ग्रुप डॉट इन पर आप जाओ और यहाँ से अपना डोमेन और होस्टिंग आप ले सकते हो, क्योंकि ये यूएस बेस्ड है, अच्छी सर्विस दे रहे हैं, इनकी सर्विस बहुत बढ़िया है, इनके सर्वर कभी डाउन नहीं होते, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर जाके भी, मैं खुद इसकी सर्विसेज यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि औरों से, क्योंकि मैं बिग रॉक से भी मैंने कभी सर्विस को यूज़ किया था, गो डैडी से भी, लेकिन मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस हुई, लेकिन बेटर आज मैं यूज़ कर रहा हूँ वो नेटवर्क होस्टिंग ग्रुप डॉट इन। फिलहाल मैं सर्टिफाइड हूँ, लोगों से बहुत बढ़िया सर्विस देते हैं वो, तो आप भी जा सकते हैं। तो देखते हैं वो कैसे लिया जाता है, तो चलते हैं, किसी भी साइट पे चले जाओ आप, मैंने यूज़ किया सपोज करो गो डैडी, ठीक है ना, तो थोड़ा मार्केट में नाम है तो इसी पे थोड़ा इसी पे देखते हैं गो डैडी पे। अब मैं आपको अपना डोमेन कैसे आपको रजिस्टर करना है, कैसे परचेज करना है, कैसे उसको लिया जाता है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आपका बिजनेस का जो भी नाम है उस नाम से रिलेटेड आप थोड़ा सजेशन वहाँ से लो, वेबसाइट पे विजिट करो और फिर यहाँ पे आपको आप देखो कि वो नाम आपको यहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब थोड़ा सा ये देखते हैं, लो जी साइट ओपन हो गया आपकी। तो अभी हमें क्या करना है, डोमेन, तो देखो यहाँ पे ऊपर मेनू दिए गए हैं, डोमेन, वेबसाइट, होस्टिंग, वेब सिक्योरिटी, ऑनलाइन मार्केटिंग। फिलहाल हम चलते हैं डोमेन पे, डोमेन पे फाइंड ए डोमेन नेम, तो डोमेन डोमेन नेम सर्वर, ठीक है ना, फाइंड क्लिक, ठीक है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि अपना डोमेन नेम यहाँ पे डालो, सर्च करो कि वो नाम आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम ये सर्च करते हैं, तो मैं चाहता हूँ सपोज करो मैंने लिखा एजुकेशन डॉट, ठीक है, मैं ये नाम लेना चाहता हूँ, तो क्या ये नाम मुझे मिलेगा, देखते हैं। इसने बोला कि सॉरी एजुकेशन डॉट कॉम इज टेकन, ऑलरेडी किसी ने पहले से ही लिया हुआ है, तो आप ये नाम नहीं ले सकते, ठीक है ना। आप दूसरे दूसरे एक्सटेंशन पे भी चेक कर सकते हो, ये बोल रहा है कि भाई आप ऑल एक्सटेंशन, ये जितने भी एक्सटेंशन हैं आप इन एक्सटेंशन पे ट्राई कर सकते हो, कि हो सकता है आपको डॉट को यूके पे मिल जाए, डॉट जो भी आपका है डॉट कॉम पे, डॉट इज पे। फिलहाल हमारा बाय डिफॉल्ट ऑल एक्सटेंशन पे लिखा रहा है कि ये फिलहाल आपको नहीं मिलेगा। अब इधर देखो एक चीज़ और आपको दिखाऊँ, लेकिन अभी टॉपिक पे आगे था, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ बोल रहा है कि इसी से रिलेटेड एक टीचिंग डॉट को एक है, आपको ये वाला डोमेन प्रीमियर डोमेन है, आप खरीद सकते हो, लेकिन जब आप प्राइस पे जाओगे तो हो सकता है बेहोश ना हो जाओ, इतना कोई अमाउंट दे जाएगा, ये सच है दोस्तों, कोई फेक नहीं है, लोग इसी से ही बिजनेस करते हैं, यहीं से लोगों पैसा कमाते हैं। फिलहाल हम इस टॉपिक पर भी इग्नोर कर रहे हैं, तो इसका डिटेल में बढ़ेंगे इसके बारे में भी, क्या चीज़ है प्रीमियर डोमेन। फिलहाल हम बात कर रहे थे एजुकेशन डॉट कॉम, फिलहाल हमें नहीं मिल रहा, तो आप कुछ मतलब ट्राई कर लो, तो मैं कुछ समथिंग डिफरेंट डालता हूँ, मैंने लिख दिया RATHDHANA राजधाना डॉट कॉम, मैं ये नाम लेना चाहता हूँ, ठीक है, क्या मुझे मिलेगा, सर्च चलेगा। ओह कंग्रेचुलेशन, आपको ये यस योर डोमेन इज अवेलेबल, बाय इट बिफोर समवन एल्स, ये बोल रहा है भाई जल्दी जल्दी ले लो, आपको डोमेन मिल जाएगा, यदि आप लेट हो जाएगा और यही नाम किसी ने सर्च किया और ये उसको मिल गया तो वो उसने बुक कर लिया, फिर आपको नहीं मिलने वाला, तो इसीलिए आपको मिल चुका है कंग्रेचुलेशन, आप तो इसको डोमेन को आपको बुक करना है, लेकिन नाम मिल जाएगा। प्राइस क्या है, आपको पे करना पड़ेगा कितना, 100 रुपये, ठीक है ना। अब क्या करना है, सेलेक्ट, बिल्कुल सेलेक्टेड, कंटिन्यू कार्ट। अब आपसे पूछ रहा है ये होस्टिंग के बारे में, थोड़ा सा मैं भी होस्टिंग पे रोकता हूँ, थोड़ा सा वापस चलते हैं स्लाइड पे, तभी इसके बारे में थोड़ा क्लियर हो पाएगा आपको। तो
प्रीमियर डोमेन की बात कर रहा था मैं, पहले प्रीमियर डोमेन पर चलते हैं। तो रजिस्टर देखो सिंपल, आपको डोमेन इसमें वहाँ पे सर्च करो, बाय करो, बस इतना काम करना है। आगे चलते हैं प्रीमियर डोमेन। प्रीमियर डोमेन जो भी साइड में दिखा रहा था वहाँ पे प्रीमियर डोमेन, वो क्या चीज़ है? डोमेन अवेलेबल फॉर रीसेल बाय ओनर। लोग क्या करते हैं कि जैसे मैंने radhana.com अभी सर्च किया था, यदि मैं अभी मुझे ज़रूरत नहीं, मैं मार्केट के डिमांड से मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर इस टाइप की मार्केट आने वाली है और उस मार्केट से रिलेटेड ये शब्द लोग या इस तरीके डोमेन नेम इस्तेमाल करेंगे, तो उन डोमेन को मैं ऊंची प्राइस पे आज परचेज करूँगा। जब लोग उन डोमेन को जो परचेज करेंगे तो ऑलरेडी टेकन दिखाएगा और प्रीमियम में उसको वापस रीसेल डालूंगा कि मैं इसको सेल करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैंने जिसको लिया तो था 100 रुपये में, लेकिन आज मेरी डिमांड है मैं इसको 5,000 में, 20,000 में, 1,00,000, 2,00,000, जो भी मार्केट की वैल्यू के हिसाब से मुझे लगता है, तो मैं वो प्राइस रखूंगा और जिसको भी चाहिएगा वो लेगा, तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि 3-3, 5-5 साल, 10-10, जितना डोमेन पुराना होगा उतना ही फ़ायदा भी होता है। अब बात आती है सर, लोग क्या पागल है क्या, वो इतने ऐसे ऐसे नाम लाखों रुपए के एक डोमेन नाम खरीद लेते हैं? भाई पागल नहीं है, वो बड़े समझदार, इंटेलिजेंट और बड़े कंसेप्ट वाइज बातों को समझते हैं। उनको पता है कि इस डोमेन का नाम लेने से, ये वाला डोमेन यदि मैं परचेज करूँ, भले ही मुझे आज 1,00,000 रुपये देना पड़ रहा है, लेकिन इस 1,00,000 से मुझे फ़ायदा होने वाला। फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि मार्केट में मुझे SEO में फ़ायदा होगा, क्योंकि डोमेन ऑलरेडी 10 साल पुराना है, 5 साल पुराना है। दूसरी बात, उस पे मान लो कोई साइट चल भी रही है, कोई डोमेन पहले से उसी फील्ड में काम कर रहा है, तो उसका जो ट्रैफिक है वो भी मैं लूँगा, ठीक है ना। वो ट्रैफिक भी लाखों विजिटर या उसके जो भी है 1,000,000 पर डे विजिटर आ रहे हैं, वो भी मुझे बेनिफिट मिलेगा। मतलब एक ही टाइम पे मैं अपने काम को स्टार्ट कर सकता हूँ, ये है फ़ायदा उस डोमेन का। वो जो पोस्ट लगा रहे हैं ना 1,00,000, वो आराम से निकल जाइए, उनको पता है निकल जाइए। और जो उसका प्राइस रखा ना, वो भी बेवकूफ़ नहीं है, वो भी समझता है कि इसको मैं इतने में सेल कर रहा हूँ तो मैं किस बेस पे सेल कर रहा हूँ। वो सब कुछ अपना सारा डाटा बना के रखता है कि इसमें कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितना क्या हो रहा है, सब कुछ देखता हो, तब जाकर उसको सेल्स की वैल्यू सेट करता है। तो ऐसे डोमेन जो मार्केट में पहले से खरीदे जाते हैं और वो इसी बेस पर खरीदे जाते हैं कि उनको वापस बाद में मार्केट के हिसाब से रीसेल किया जाए, ऐसे डोमेन को कहते हैं हम प्रीमियर डोमेन। और प्रीमियर डोमेन कॉस्ट डिपेंड ऑन इट्स नेम। अब उसकी कॉस्ट कितनी है, किसके ऊपर डिपेंड करती है? उसके नाम पे, उस नाम की वैल्यू क्या है एंड डिमांड इन द मार्केट, ठीक है ना, इसलिए कम ज़्यादा। और सर प्रीमियर, यदि आपको प्रीमियर डोमेन नेम लेना है तो कहाँ से ले? जैसे बहुत सारी साइटें हैं, जैसे www.flipkart.com है, आप इससे प्रीमियर डोमेन आप परचेज कर सकते हो। www.cito.com है, इससे आप परचेज कर सकते हो। इवन GoDaddy से दिखाते हैं कि भाई ये नाम इससे मिलता जुलता ये नाम है, ये प्रीमियर डोमेन है। दिखा देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा आगे निकल गया, कोई बात नहीं, आपके चलते हैं। यदि आपको प्रीमियर डोमेन लेना है तो मैंने साइट बता दी flipkart.com, आप यहाँ पे जाओ तो यहाँ से आप डोमेन ले सकते हो, सर्च करो और नीचे भी बहुत सारे लिस्ट मिलेगी आपको। नीचे क्या बोल रहा है सर, ये डोमेन अभी फिलहाल आप दो दिन इन्होंने लगा रखे हैं, अभी ये डोमेन रीसेल पे, आप ये डोमेन ले सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो, ये भी। फिलहाल आपको इतना पैसे देना पड़ेगा सर, ये लोगे तो करीबन $7,500 आपको इस डोमेन के देने पड़ेंगे। अब इस पर क्लिक करते हैं, भाई इस डोमेन में सर खासियत क्या है, यार लोग $7,000-$7,500 की डिमांड कर रहे हैं, तो इस पर क्लिक करते हैं, इसकी डिटेल देखते हैं, ठीक है ना। अब दो दिन बचे हैं इस पर बिड लगाने, टोटली अभी ऑलरेडी 22 लोगों ने इसके ऊपर बिड लगा चुके हैं। अब बिड का इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं अपने न्यू टैब, क्योंकि मुझे जल्दी नहीं है, मैं टॉपिक को फटाफट ख़त्म भी कर सकता हूँ। मेरा कंसेप्ट ये है कि आपको एक एक चीज़ें बड़ी डिटेल से पता, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं ये बिड, तो ये दिखा रहा है कि भाई आपकी ये बिड थी, एक लोग ने 4 घंटे पहले बिड लगाई पूरी की पूरी, वाओ, एक बिडर पूरा 100% इसके लिए इतने पैसा देने के लिए तैयार है। दूसरा न्यू बिड आई है, इसने इतनी बिड लगाई है 7,500 कुछ करके, इसने 6,000, ठीक है, इसने इतना पैसा, सबके दिखा रहा है किस किसने कितना कितना पैसा उसके ऊपर लगाने के लिए एग्री हो गई, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखो $3,500 लोग देखो कैसे खरीदने की बेताब लगे हुए, ठीक है ना। ये तो बिड है, किस किसने कितने कितने बिड है, अब मुझे लगता है कि मुझे चाहिए तो दिन में पूरी बिड ऐसे लगा सकता हूँ।
फिलहाल हमें नहीं चाहिए, मुझे बस दिखाने के पर्पज से मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ देखते हैं, ये तो है बिट, दो दिन और बचे, मैं बिट लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अपनी बिट मैं सर इसको परचेज करना चाहता हूँ जी। मैं दे सकता हूँ आपको 7200 करोड़ दे सकता हूँ, प्लेस और, ठीक है ना। उसको लगता है कि मुझे रिजल्टी मिलू, लोग फिर भी ऐसे लगा देते हैं। और बाकी थोड़ा सा आप ये भी कर सकते हो कि मतलब क्या कहते हैं ना, थोड़ा सा ऐसा नहीं कि जितना उसमें पैसा मांगा उसको उतना ही मिल जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये है कि आप थोड़ा सा बार्गनिंग करके एडजस्ट करके भी मेल आते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन होता है तो उससे थोड़ा एडजस्ट किया जा सकता है। चलिए इसके बाद है, यहाँ देखो क्या क्या चीज़, ये साइट है जो अभी पहले से इस पर साइट चल रही है, तो अभी वर्डप्रेस का प्लेटफॉर्म इस पर है, एक साल है। और ट्रैफिक देखते हैं अभी इस साइट के ऊपर, पेज व्यू इतना है, यूनिक विजिटर इतना आ रहा है, बिल्कुल वो बहुत बढ़िया। पर डे भी देखें तो करीबन 80,000 लोग पर डे साइट पे आ रहे हैं, तो 80,000 लोगों का ट्रैफिक आप लोगों को मिलेगा, ठीक है ना। ये ग्रोथ, ये नेट प्रॉफिट, ये सब कुछ लोग दिखा रहे हैं कि इसी वजह से ही मैं ट्रैफिक देखो, यूनिक ट्रैफिक सब कुछ दिखाएगा आप पूरा पर डे इन्होंने डाल रखा है। बाउंस रेट क्या है, बाउंस रेट भी ठीक है, 51% है, बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख के आप यहाँ से देख सकते हो, लेकिन यदि आप मान लो मैं इंडिया में रहता हूँ और इंडिया के अंदर मतलब मान लो मेरी कि उस बिजनेस से रखती भी है, लेकिन जो उसके पास कस्टमर है सारा कहाँ का है, यूनाइटेड स्टेट का, मुझे तो कोई फ़ायदा होगा नहीं क्योंकि मुझे तो कस्टमर सारे इंडिया के रखने, तो ये चीज़ हो जाती है। तो आपको देखना पड़ता है लोकेशन वाइज भी क्या है, ये सारी चीज़ें देख के ही आप प्रीमियर डोमेन लो, ठीक है ना। पूरी डिटेल उसमें जिसका भी डोमेन है उसने सारी डिटेल यहाँ पर डाल रखी है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए तो आपको लगता है कि हाँ इसे बेनिफिट हो सकता है, आपके हिसाब से टेबल है, देन आप इसको बाय करो और बेनिफिट उठाओ। एक साथ आपको एक ही टाइम पे आपको इतना प्रॉफिट, बंदे ने इतना काम किया वो काम का सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। नेक्स्ट ये है प्रीमियर डोमेन। अब आते हैं आगे, वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग क्या है, वेब होस्टिंग इज अ होस्टिंग सर्वर, एक ऐसे सर्वर होते हैं जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट की फाइल्स, डेटा, फोटोज, ईमेल, आपका जो भी है वीडियोस, ठीक है ना, वो सब कुछ, कोई भी आपकी एप्लीकेशन चल रही है वो सब कुछ स्टोर किया जाता है उस सर्वर पे, एक होस्टिंग सर्वर इंटरनेट पे लिया जाता है और वहाँ पे हम अपनी पूरी वेबसाइट को स्टोर करेंगे, ठीक है ना। वेब होस्टिंग फीचर्स, अब जब वेब होस्टिंग लोगे तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चल रहा है उसके ऊपर, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा प्रोवाइड कर रहे हैं, विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, लिनक्स का प्रोवाइड कर रहे हैं। सर इससे क्या होगा, इससे ये होगा डियर कि सपोज करो आप एक वेबसाइट डॉट नेट में आपने बिल्ड कर दी, डॉट नेट में आपने वेबसाइट बना रखी है। अब जो डॉट नेट की वेबसाइट है वो विंडोज बेस पे चलती है, यानी कि आपको फिर कौन सी होस्टिंग लेनी पड़ेगी, विंडोज पे। और यदि आप पीएचपी पे काम कर रहे हो या आप जैसे हम वर्डप्रेस सीखने वाले हैं तो वर्डप्रेस पे हम काम करेंगे, तो वर्डप्रेस भी किस पे चलती है, लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सपोर्ट करता है। तो इसीलिए आप ये ना करें कि आपने पूरी वेबसाइट डिजाइन तो करा दी डॉट नेट में, अब जब आपने होस्टिंग की बात की बिना समझे आपने होस्टिंग ले ली, आपने परचेज कर दी इसमें लिनक्स में, तो वो आपका उस पर रन नहीं होगी आपकी वेबसाइट, ठीक है ना। इसके बाद आता है होस्टिंग स्पेस, स्टोरेज स्पेस। अब आपको डिपेंड है, अब आप इनके ना जो कंपनियां हैं जो होस्टिंग आपको प्रोवाइड स्पेस प्रोवाइड कर रही है उनके बहुत अलग तरीके के प्लान है, वेरियस प्लान है भाई, आपके काम के हिसाब से उन्होंने प्लान, भाई आपकी छोटी साइट है तो जी हमारा ये प्लान है, बड़ी साइट है जी ये प्लान है, इतनी स्पीड मिलेगी, इतना स्पेस मिलेगा, ये सब कुछ वो देते हैं। तो आपको अपने रिक्वायरमेंट को लगता है जी मेरे लिए 500 MB सफिशेंट है, मेरे लिए 10 GB मेरी रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से 10 GB का प्लान आपको लेना पड़ता है, फिर सर्विस के ऊपर के प्लान चेंज होते हैं। इसके बाद है मंथली बैंडविड्थ, जो ट्रांसफर रेट होगा वो क्या होगा मंथली वो देखना है। ईमेल एड्रेस आपको रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ईमेल एड्रेस ये बात नहीं है कि जीमेल वगैरह इनकी नहीं है, कई बार आप देखते हो जो जैसे मान लो मेरा डोमेन है abc.com और लोग कई बार आपको बताते सर मेरा ईमेल एड्रेस है rakesh@abc.com, तो जो ऐसे ईमेल एड्रेस होते हैं वो खुद का उनका मेल सर्वर अपना बनाते हैं वो लोग, तो वो ईमेल एड्रेस आपको रिक्वायरमेंट अपने एम्प्लॉई को आप देना चाहते हो ऐसे कि जीमेल और याहू को हमें को नहीं यूज़ करना, तो हम अपना खुद का मेल सर्वर पे ही यूज़ करेंगे,
अपने डोमेन पे अपने पास साइजों को मैनेज करेंगे, देन आप ईमेल एड्रेस भी यहाँ से ले सकते हो। इसके बाद डाटाबेस, ये डाटाबेस आपको चाहिए नहीं चाहिए तो देखते हैं थोड़ा सा होस्टिंग प्लान में। अब जैसे हमने डोमेन जब हमने रजिस्टर किया था, कंटिन्यू किया, उसके आगे ये पूछ रहा है भाई ठीक है आपने डोमेन का नाम तो ले लिया था, अब आप इसे पूछ रहा है भाई होस्टिंग। मैंने बोला होस्टिंग क्या है, अब ये बोला जी आपकी वेबसाइट के लिए स्पेस भी तो चाहिए, आपको होस्टिंग चाहिए कि ना। हाँ भाई होस्टिंग तो चाहिए कि। अब होस्टिंग जो आपको चाहिए कि तो वो आपको किस पे चाहिए, विंडोज़ बेस पे चाहिए, लिनक्स बेस पे चाहिए। अभी हम वर्डप्रेस पे साइट बनाए तो हमारे लिए कौन सी बेस्ट है, लिनक्स हमें बेस्ट क्या, हमारी ज़रूरत ही चलेगी वो इसी पे ही। तो वो बोल रहा है कि क्या अब इनके प्लान है, आपको नहीं चाहिए। ये भी कोई रूल नहीं है कि यदि मैं गोडैडी से डोमेन को परचेज कर रहा हूँ तो उसी से मुझे होस्टिंग लेनी ही पड़ेगी, नहीं। आप डोमेन किसी से दूसरी साइट से परचेज कर सकते हो, होस्टिंग का प्लान और किसी साइट पे आपको बेटर लगता है, उनकी सर्विस बेटर लगती है, देन आप उससे होस्टिंग दूसरी कंपनी से ले सकते हो और बाद में दोनों का लिंक कर दिया जाता है और आपस की आपकी साइट प्रॉपरली आपकी ब्राउज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये रूल नहीं है किसी से ही लेना है, तो अच्छे से जहाँ प्लान अच्छे हों, मान लो जहाँ की सर्विस अच्छी है उनका रिव्यू चेक करो आप, तब जाके किसी एक कंपनी को आप सेलेक्ट करो। जो लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती है, डोमेन परचेज कर लेते हैं, लास्ट मिनट के सर्वर डाउन होते हैं, हैकिंग होते हैं, टैक्स होते हैं, तो नहीं प्रॉपरली उनको मेंटेन कर पाते, ठीक है ना। इसके बाद ये बोला भाई आपको चाहिए अभी होस्टिंग लेनी है तो ठीक है जी आप होस्टिंग ले लो, नहीं चाहिए तो नो थैंक्स करके कंटिन्यू करो, आपका डोमेन मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं होस्टिंग के प्लान दिखाता हूँ, क्या प्लान है मेरे को प्लान लेना है। तो इनके तीन प्लान है, वो ऑलरेडी भी तीन प्लान पे काम कर रही है। पहला प्लान है स्टार्टर। स्टार्टर प्लान में क्या बोल रहे हैं, सर आपको पर मंथ 150 रुपये देना पड़ेगा करीबन। इसमें आप एक वेबसाइट चालू कर सकते हो, 30 GB का डाटा स्पेस मिलेगा, 30 GB आपको स्पेस मिलने वाला है, इस पर आप 30 GB तक अपना डाटा स्टोर कर सकते हो। अनलिमिटेड बैंडविड्थ आपको मिलेगी, 10 ईमेल एड्रेस आपको मिलेंगे, एक माई स्कूल डाटाबेस आपको मिलेगा, ठीक है। नीचे देखें इकोनॉमी प्लान में क्या बोल रहा है, सर आपको 300 दे दिया, आपको लगता है भाई मेरे लिए 30 GB मेरे लिए सफिशेंट नहीं है, सर ज़्यादा आपको चाहिए तो सर हमारा दूसरा प्लान, वो क्या प्लान है सर, इसमें सर आपको एक वेबसाइट आप चला सकते हो, रन कर सकते हो और होस्ट कर सकते हो, 100 GB का आपको स्पेस मिलेगा, अनलिमिटेड बैंड, 100 ईमेल एड्रेस मिल जाएंगे और 10 MySQL डाटाबेस मिलेगा, बहुत बढ़िया। इससे भी ज़्यादा चाहिए सर आप एक काम करो, फिर हमारा ये प्लान है 500 MB का, इसमें क्या करना है अनलिमिटेड वेबसाइट मिलेगी, आप कितनी भी वेबसाइट इसमें होस्ट करो नो प्रॉब्लम, अनलिमिटेड स्पेस कितना भी स्पेस आप यूज़ करो नो प्रॉब्लम, कितनी भी बैंडविड्थ नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। 500 ईमेल एड्रेस आपको दिए जाएंगे, 25 MySQL डाटाबेस आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो आप ये देखो कि आपका प्लान या आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो किस प्लान को टच करती है, आपको लगता है ये मेरी वेबसाइट यदि नॉर्मल साइट है तो आप ये वाला प्लान यूज़ करो, क्यों इतना महंगा लेना है, यदि आपकी काम ज़्यादा है आपकी रिक्वायरमेंट है तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैंने बोला सर ये चाहिए बस, और आगे कंटिन्यू करना है बस, और इसके बाद आपसे पेमेंट मांगेगा, आप पेमेंट दे दो और पेमेंट होने के बाद आपको ये मेल करेंगे, जो भी आप इसमें अकाउंट बनाओगे जब आप गोडैडी पे आगे जब कंटिन्यू करोगे तो आपके अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा, तो आपको मेल की जाएगी सर आपका होस्टिंग आपकी रजिस्टर हो चुका, आपका डोमेन रजिस्टर हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी ये ईमेल आपका ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है और ये आपके नेम सर्वर है, तो साथ में नेम सर्वर भी हमें दिए जाते हैं। तो डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, स्टेप स्टेप बाय स्टेप चलूँगा कि आपको कहीं पे भी दिक्कत ना आए, ठीक है ना। तो ये होस्टिंग प्लान है। अब आती है टाइप ऑफ होस्टिंग, तो अलग अलग होस्टिंग भी होती है डियर, वो कौन कौन सी होस्टिंग होती है। पहले चार तरीके की होस्टिंग होती है, जब अभी तक पूछा भी, अब तो हमने प्लान देखे कि होस्टिंग है सर ये प्लान है ठीक है, लेकिन अब आता है टाइप ऑफ होस्टिंग। पहला है शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग किसे कहते हैं, ये जो लिखा है ना आपका शेयर्ड होस्टिंग किसे कहते हैं, भाई इसके बीच में एक सर्वर होगा, इस सर्वर पे बोला भाई आपकी ये एक यूज़र आया सर मुझे एक वेबसाइट होस्ट करनी है, मेरा मिनिमम प्लान स्टार्टर प्लान था, ठीक है सर आप शेयर होस्टिंग पे आप ले सकते हैं, तो इसको भी यहाँ पे स्पेस दे दिया 1 GB का, ठीक है। फिर एक नया यूज़र आया उसको भी अपनी वेबसाइट होस्ट कराई थी, उसको भी इन्होंने स्पेस दे दिया 1 GB, ले भाई आप आ भी लो। अब इसके बाद इसलिए भी आया, ये भी आया, ये भी आया, मतलब एक ऐसा कंप्यूटर एक ऐसा सर्वर जिसमें पहले से ही है, मतलब पहले से क्या जिसके ऊपर हम हज़ारों वेबसाइटें चला रहे हैं एक सर्वर से, शेयर्ड होस्टिंग कहलाती है, ठीक है ना। शेयर्ड होस्टिंग पे आप नॉर्मल जो वेबसाइट होती हैं उनको भी चला सकते हो, ज़्यादा बड़ी जैसे फ्लिपकार्ट
या फेसबुक, इनकी बात करूँ ये साइटें सेवर होस्टिंग पे चल ही नहीं सकती। या आपकी ऐसी कोई वेबसाइट बना देते हैं जैसे उसमें वीडियोस डालना चाहते हो, डाउनलोडिंग का काम सिर्फ काम सारा या पैनल का है काम है कि लोग उसमें लॉगिन लेंगे, उसके बाद ये उनको फीचर्स उनको ये मिलेंगे, तो ऐसा जो काम होता है वो काम कभी भी शेयर होस्टिंग में नहीं होता। ठीक है ना, नॉर्मल साइटों के लिए आप शेयर होस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। सर डन, उसके बाद क्या करें? ठीक है, उसके बाद भी सॉल्यूशन है दिया। देन आप जा सकते हो VPS पे, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होते हैं। इसमें क्या होता है कि सर्वर तो होंगे ऐसे, लेकिन भाई ऐसा है यदि मैं शेयर होस्टिंग की बात करूँ तो इसमें एक सर्वर है, हजारों वेबसाइट चल रही है, तो भाई इसमें स्लो तो होगा ना, क्योंकि सर्वर तो एक ही परफॉर्मेंस तो सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना, इसका रैम जो इसके प्रोसेसर पावर है, जो प्रोसेसिंग पावर है, स्पीड है जो उसकी, वो तो सभी में डिवाइड हो रही है, तो ऑटोमेटिक सारी साइटें स्लो भी चलेगी। इसलिए नॉर्मल साइटों पर पेजेस कम होते हैं, यूजर कम आते हैं, इसलिए उनके लिए बेस्ट है। VPS में क्या बोलता है कि जी आपको सर्वर मिलेगा लेकिन हजारों वेबसाइट ना होके उसमें 5-7 वेबसाइटें चलेगी जी बस, बाकी सारी कोई भी साइट नहीं होगी, मतलब 5-6 साइटें ही और सर्वर पर चलेगी, तो उन 5-6 साइटों पे परफॉर्मेंस बढ़ेगी। डेडिकेट सर्वर क्या होता है कि सर ऐसा है मेरा काम बहुत बढ़िया है, बहुत बड़े लेवल पे मुझे काम करना है और अच्छे यूज़र, लाखों यूज़र इस साइट पे आने वाले हैं, ठीक है ना, थोड़ा हैवी काम करना है, देन अब मैं जाऊँगा डेडिकेट में। डेडिकेटेड में क्या होता है कि एक सर्वर पर स्पेशली इस सर्वर की परफॉर्मेंस, मुझे सर्वर पर कितनी रैम कितना हार्ड डिस्क चाहिए वो मुझे उस पर बतानी है, उसी के हिसाब से मैं उस सर्वर पे बस मेरी ही वेबसाइट होस्ट होगी और किसी की भी वेबसाइट उसके ऊपर होस्ट नहीं होगी। क्लाउडिंग, अब क्लाउड क्या चीज़ आ गई, ये चीज़ देखते हैं क्या है। इन तीनों में क्लाउड में एक फ़र्क है। देखिए सपोज करो आज आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता था कि शेयर वीडियो सर्टिफिकेट सर्विस होस्टिंग क्या होती है। अब आपने आपकी साइट बड़ी बनाने का प्लान था, उसमें यूज़र लॉगिन लेंगे, उसमें वीडियोस चलेंगे, उस पर गाने बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना, उस साइट के थ्रू लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, तो ऐसा जो काम होता है तो आपको पता नहीं था, आपने साइट बना दी और शेयर होस्टिंग ले, आपने देखा प्राइस या सस्ता प्लान है ये ले लेता हूँ, लेकिन एक महीने बाद क्या हो जाएगा, आप उस साइट पर जो आपका प्लान, उस प्लान से ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, उससे ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट आएगी, ऑटोमेटिक आपकी साइट डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कंपनी वाले भी तो बोलेंगे ना, सर आपकी साइट का प्लान ये है और आपकी साइट पे ज़्यादा ट्रैफिक, आपकी रिक्वायरमेंट आपके हिसाब से ये साइट चल ही नहीं सकती, क्योंकि ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, इस परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी। अब क्या है, वो भी बोले सर आप VPS आपके लिए सही प्लान है, VPS पे जाओ, ठीक है। अब सपोज करो मैंने शेयर होस्टिंग फीस 2,000 रुपये में, VPS का प्लान है 5,000 रुपये सालाना, तो मैं ये नहीं कहूँगा सर मैंने एक महीना हुआ जी 2,000, इसमें से कट 2,000 तो मैं आपको दे चुका हूँ, 5,000 आपका नया प्लान है, 2,000 उसमें से कट कर लो, 3,000 और दे देता हूँ मैं, तो ऐसा नहीं होता। यदि एक बार आपने प्लान ले लिया, चाहे एक दिन हुआ चाहे दो दिन, हाँ ये जरूर है कि आप टेस्टिंग मोड पर कंपनी, बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी देती है कि आप हमारी सर्विस को यूज़ करना चाहते हो तो 30 दिन के लिए मनी बैक ऑफर देती है कि 30 दिन तक हमारी सर्विस में कोई दिक्कत आती है, सर्वर डाउन होता है, तो आपने जो पैसे आपने दिए वो पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, लेकिन 30 दिन के बाद आप कहोगे जी मेरे में अभी नहीं है जी, आपका अच्छा नहीं चल रहा, देन वो आपकी कोई चीज़ सुनने वाली, और 30 दिन का टाइम दिया। इसके बाद क्या करना पड़ता है, यदि आपका प्लान आ गया VPS पे, रिक्वायरमेंट आ गई VPS की, अब क्या करना है VPS पे, कंपनी ये बोलती सर आपने क्या दिया है, आपने शेयर होस्टिंग पहले ली थी, अब 2,000 रुपये वहाँ इन्वेस्टमेंट किया, उसका इसका कोई लेना देना नहीं है, अभी आपको नया प्लान लेना पड़ेगा तो पूरे पूरे आपको 5,000 ही देने पड़ेंगे, ये हमारा इस प्लान का प्राइस है, उसमें कोई एडजस्ट नहीं होती कोई चीज़, ठीक है ना। और यदि कोई पर्सनली लिंक है आपके, वो बात अलग है, वो तो फिर हर जगह कुछ ना कुछ भी कर लो, चाहे वो फ्री में भी दे दे पर्सनल लिंक हो तो, ठीक है ना। इसके बाद है डेडिकेटेड, अच्छा हाँ क्लाउड, क्लाउड में ये बेनिफिट मिलता है। क्लाउड में क्या होता है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कभी भी आप कोई भी प्लान कम ज़्यादा कर सकते हो। क्लाउड में ये फ़ायदा, आपने आज नॉर्मल प्लान लिया, उसके बाद लगा सर मुझे रिक्वायरमेंट ज़्यादा, तो ऑटोमेटिक जो एक्स्ट्रा जो आप रिक्वायरमेंट डालो उसी का आपको चार्ज देना है, तो ये है फ़ायदा। ज़्यादा आपने हैवी प्लान लिए हैं, आज आपकी रिक्वायरमेंट कम है तो आप कम भी कर सकते हो, उसके हिसाब से आपके पैसे डिडक्ट भी हो जाते हैं, तो क्लाउडिंग में ये होता है अपनी रिक्वायरमेंट से आप एंड डाउन कर सकते हो आप। अब होस्टिंग कंपनियाँ, किन किन कंपनियों से आप होस्टिंग और डोमेन परचेज करेंगे, गोडैडी, बिगडॉग, साइटग्राउंड, इनमोशन, ब्लू होस्ट, नॉन होस्ट है, अविक्स है, और दूसरा होस्टकॉटर, ये सभी वेबसाइटें हैं जहां से अपना डोमेन और होस्टिंग आप परचेज कर सकते हो, ठीक है ना।
अब नेक्स्ट क्लास में हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे कि होस्टिंग का मैंने बताया। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, इवन आप कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया हुआ है तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो आप मेरे साथ, ठीक है। और जितना भी हमारा पर्पस यही रहता है INT इंस्टीट्यूट का, और INT जाना भी जाता है अपनी क्वालिटी के बेस पे कि हम कोशिश करते हैं आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी हम दे पाएँ, और वही हमारा पर्पस रहता है कि आपको अच्छे से काम सिखाएं ना कि आपको कोर्स सिखाएं। तो पर्पस वही सब कुछ मैं आपको इंडस्ट्री के हिसाब से सिखाऊंगा, प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, ठीक है। और यदि आपको DVD चाहिए, आप इंटरनेट पे आपको पूरे कंप्लीट वर्डप्रेस की या किसी भी मॉडल की आप चाहते हो कि वो DVD, तो DVD के लिए भी आप हमारी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है, तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझे कॉल करके DVD भी आप हमसे खरीद सकते हो। तो पूरी DVD में पूरे लेक्चर से कोई भी कंसेप्ट अपने छोड़ा नहीं है, तो आप ये भी आप हमसे ले सकते हो, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करेंगे इसके बारे में वर्डप्रेस, ठीक है। थैंक यू सो मच।